हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देव और आज का कहानी है जिमी होस्ट। हैप्पी हेलोवीन स्पेशल। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सारा कहानियां भेजा हमें और हमें सबसे अच्छी कहानी लगी गौरव कुमार की। तो कॉन्ग्रेट्स टू यू गौरव कुमार, आपकी इस कहानी हम डबिंग कर रहे हैं। नरेशन बाय देव, स्क्रिप्ट बाय देव और कहानी में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि ये 5 साल का बच्ची हो या बच्चा हो या 50 साल के, सभी समझ पाए, क्योंकि हेलोइन में कोई मैजिक नहीं, लॉजिक होता है। तो शुरू करते हैं कहानी। जिमी बाय देव, नायरा मतलब लड़की की रोल मियोन, स्पेशल वॉइस बाय पर्युत्सु एंसानी, शुक्रिया। शुरू करते हैं कहानी हेलोइन स्पेशल जिमी घोस्ट। हेलोइन मैंने सुना बहुत है पर कभी देखा नहीं हूं। पर उस रात हेलोइन में मेरे साथ जो हादसा हुआ शायद ही भूला पाऊं। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं किसी ऐसे जगह से जहां पहुंचना इंसानों के लिए नामुमकिन है। बिना कंफ्यूज किए इसका शुरुआत से बताते हैं कि आखिर कहानी है क्या। 2 दिन पहले मैं आया था घूमने के लिए, हेलोइन का छुट्टी मिला है पहली बार, तो सोचा थोड़ा घूम लूं, मजे कर लूं। तो मेरी मॉम डैड ने फैसला किया कि इस बार जाऊंगा तो सीधा चौकमानिक हाउस पर। वहां छोटा सा एक गांव है, पास में समुंदर भी है और सबसे अच्छी बात पॉल्यूशन से दूर और लोगों से झंझट से भी दूर। मजा आएगा ना। हम एक छोटे से घर से जा रहे थे, मेरी डैड के पुराना खटारा, मेरी मॉम तो कपकास हो गई गहरी नींद में। चलते चलते मुझे भी नींद आ गया। पर अचानक कहीं से जोर से धमाका हुआ। फिर मुझे गरम सा एहसास हुआ, समझने से पहले ही मेरी आंखें वहीं पे बंद हो गई। जब मैं उठा सामने गाड़ी का कुछ टूटा फूटा हिस्सा पड़ा था। गाड़ी तो गायब, शायद पुलिस वाले ले गए होंगे। सामने एक हॉस्पिटल, शायद उसी हॉस्पिटल में ही मॉम डैड को रखे होंगे। पर मैं बाहर क्यों हूँ? क्योंकि मैं खाई में गिरा था तो शायद किसी ने देखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में जाके ही देखता हूँ। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। मॉम डैड अब कहाँ हो, कहाँ हो आप? मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं गया सीधा हॉस्पिटल में, रूम नंबर 4 में देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जाके देखा मेरी मॉम डैड बेहोशी की हालत में ऑक्सीजन मास्क लेके लेटे हुए हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पागल हो गया था। अचानक किसी डॉक्टर की आवाज़ सुना मैंने। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके बेटे को बचाने के लिए, वी आर सॉरी। उम्मीद है उसका बच्चा सही रहे। मैं बस वो हंसी वाला दिन वापस पाना चाहता था, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मैंने सुना है कि सामने जो समुंदर है वो समुंदर से आप कुछ भी दुआ मांगो तो ज़रूर पूरा होता है। मैं शायद कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैं दुआ ज़रूर मांगूंगा मेरे मॉम डैड के लिए। उसके बाद मैं डॉक्टर से बात करूंगा, कुछ पैसे खर्चे वगैरह जो भी है। तो मैंने फैसला किया कि पहले मैं समुंदर से जाके प्रे करूंगा, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, पूरी बातचीत करूंगा मेरे मॉम डैड को लेके, इस हादसे को लेके। तो मैं समुंदर के पास गया, पूरी दिल से सिद्धर से दुआ मांगा। हॉस्पिटल आते वक्त कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं, ये तो अनजान शहर है, ये तो अनजान जगह है, मैं रहूंगा कहाँ? तो वो गांव तो बहुत दूर है, पर मैं रहूंगा कहाँ पे? यहाँ तो मैं किसी को भी नहीं जानता, हॉस्पिटल में तो रहने नहीं देंगे, और मेरे मॉम डैड के लिए मैं
पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो उनका कोई अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं है, और वो पार्स, गाड़ी, पैसे सब तो पता नहीं कहाँ गए। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त मैं शायद ऐसी हालत में था, किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा, अचानक एक लड़की की हंसी सुनाई दिया मुझे। मैं पीछे मुड़ के देखा एक लड़की, पर आसपास कोई है नहीं। देखकर लग रही है 12 से 13 साल की उम्र होगी इसकी। गया, छोटी छोटी बाल है और पता नहीं कौन सा कपड़े पहना है, शायद यहाँ की होगी। तो मैं जाके पूछा, हेलो। वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई और कही, हेलो दोस्त, कैसे हो? दोस्त? पहली मुलाकात में ही दोस्त? अजीब है, ये लड़की कौन है यहाँ पे अकेली? ना चाहती हुई भी मैं पूछा, तुम यहाँ पे अकेली हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? मेरी मॉम डैड का कल एक्सीडेंट हुआ था, वो दोनों पास वाले हॉस्पिटल में हैं। एक्सीडेंट? मतलब तुम्हारे मॉम डैड का भी एक्सीडेंट हुआ? बिल्कुल मेरी तरह। ये कोई चोरों का काम लगता है मुझे, पुलिस को बताना ही पड़ेगा। पर आसपास पुलिस स्टेशन तो दिख नहीं रहा, तो फिर मेरी गाड़ी क्या किधर, समुद्र ने निकाल लिया क्या? जो भी हो, पहले मुझे डॉक्टर से मिलना है। तुम्हें लड़की से कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए है ना, अभी बहुत अंधेरा होने वाला है। लड़की ने कहा, मेरे साथ थोड़ी देर रुकोगे? पर ठीक है, मैं कुछ देर ही रुकूंगा, ठीक है, बस कुछ देर, सिर्फ तुम्हारे लिए। अचानक उसने मेरी हाथ पकड़ी और मुझे खींच के ले जा रही है, और मैं जैसे चले जा रहा हूँ उसके साथ, जैसे मेरे खुद के शरीर के ऊपर मेरा कोई काबू नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ खास चीज दिखाती हूँ। खास चीज? आखिर क्या हो सकता है, कोई खजाना? मुझे वो टूटे फूटे घर में ले गई, शायद ये घर बहुत दिनों से बंद पड़ी है, और हाँ साफ सफाई शायद होती है क्योंकि अंदर इतना धूल नहीं है। बाहर से तो बहुत डरावना सा लग रहा है, पर शुक्र है रहने के लिए कोई तो जगह मिला मुझे। आज रात यहीं पे बिता लूंगा, पर उससे पहले मुझे मॉम डैड से मिलना होगा, डॉक्टर से भी, अब पहले इस लड़की से भी छुटकना चाहिए मुझे। अचानक मुझे किसी का बात करने का बस सुनाई दिया, ये सब कहाँ से आ रहा है? फिर उसने मुझे धीरे से पकड़ के दरवाजे की तरफ लेके गई और धीरे धीरे कही, धीरे से इस दरवाजे को खोल के छुपके से देखो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा, और जो देखा शायद मैंने जिंदगी में कभी ये चीज नहीं देखी। कुछ टोपियां आसमान में उड़ रही है और उस टोपी से बात आ रहा है, ना ही कोई शरीर, ना ही कोई हाथ पैर सर, कुछ नहीं, बस कुछ टोपियां हवा में उड़ रही है और एक दूसरे से बात कर रही है। कैसे हो सकता है ये, कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है यहाँ पे? पर कैमरा तो दिख नहीं रहा है कहीं पे। उसने बोली, ये सब के सब भूत है। भूत? ये सारे भूत है? ये 2018 है यार, यहाँ पे भूत भूत कुछ नहीं होता ऐसा, डराओ मत मुझे। इस लड़की ने तो मुझे डरा ही दिया यार, भूत नाम का कोई चीज होता है क्या? इसका मतलब तुम भी भूत हो क्या? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, एक्सीडेंट होने से मेरे पास खास ताकत आई है। खास ताकत? जिससे मैं भूतों को देख सकती हूँ, उन्हें महसूस और छू भी सकती हूँ। भूतों को देखना, ये भी मुमकिन है? इसका मतलब उस एक्सीडेंट से मेरे अंदर भी बदलाव आया है, मैं भी भूतों को देख और सुन सकता हूँ? कमाल है। मैंने फिर से देखा, इस बार वो टोपिया गायब, पर बीच में कुछ खड़ा हुआ है। हाँ, कुछ दिख तो रहा है दूर। फिर उसने कही, वो दूर दिख रहे हो? हाँ, देख पा रहा हूँ, वो एक मूर्ति जैसा लग रहा है ना? हाँ, वही मूर्ति। मुझे उस मूर्ति से कोई काम है नहीं। उसपे ही भूतों का सारा राज छुपा हुआ है। राज? और
तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? मैंने ये राज एक भूत से सुना है। सुना है? यकीन करना तो मुश्किल हो रहा था उस पर, जैसे सिंड्रेला की कहानी चल रहा है यार। एक्सीडेंट हुआ, अचानक एक लड़की मिली, उसने मुझे कहीं पे लेके गई, भूतों का डेरा, और उसके बाद एक मूर्ति, उसके बाद राज। मैं क्या कोई गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे? फिलहाल मेरे पास कोई चारा है नहीं। मैंने धीरे से पूछा, तो क्या राज है इसमें? अगर तुम इस मूर्ति को कब्रिस्तान में दफना दोगे तो सारे भूत हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। इन भूतों की वजह से ही तुम्हारे मॉम डैड कोमा में है। उसने भूतों की तरफ देखते हुए मेरे मुझे कहा, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, जैसे मुझे बताते हुए किसी और चीज के बारे में सोच रही है। कब्रिस्तान? ये मजाक लगा रखा है क्या? मैं इस मूर्ति को लूंगा, कब्रिस्तान में दफना दिया, सारे भूत भाग जाएंगे। ऐसा तो मैंने हाँ बहुत सारे खेला है, ऐसे एनिमेज भी देखे हैं बचपन में। सचमुच में रियल लाइफ में होते हैं ऐसा? कभी नहीं होते सब। उसने फिर से मूर्ति की तरफ देखते हुए मुझे कही, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें करना ही होगा। क्या? मेरी मॉम डैड? मेरी मॉम डैड के साथ? आप शायद मुझे थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। अगर ये मूर्ति सच में मेरे मॉम डैड के साथ कनेक्टेड है तो कोशिश करके देखते। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या? यहाँ पे साइंस चलता है, मेसिन चलता है, जादू वगैरह थोड़ी ना चलेगा यहाँ पे। मैं सच में पागल होते जा रहा हूँ बहुत। पर फिर भी मैं मॉम डैड के लिए कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, ये नकली थोड़ी ना है। अगर मैं पूरे दिल से करूँगा तो शायद मेरी दुआ से मॉम डैड ठीक हो जाए। पर उससे पहले मुझे डॉक्टर से मिलना है, पर अंधेरा तो बहुत ज़्यादा है। क्या मैं हॉस्पिटल तक पहुँच पाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे वापस आना रात को? नहीं नहीं, मैं कल सुबह ही डॉक्टर से मिलूँगा। पर हाँ, अगर ये मूर्ति सच में मेरी मॉम डैड से जुड़ी हुई है तो इसको कब्रिस्तान में दफन नहीं देते। पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर एक छोटा सा जोश तो जाग गया है। ये कहानी है, गेम है, कोई भद्दा मजाक है, पर करके रहूंगा मैं पक्का। जोश तो मुझ पे आ गया है, पता नहीं ये जोश अचानक मुझे आया कहां से। अचानक उसने जोर से कही, अब ज्यादा सोचो मत, मूर्ति लेके भागते हैं। तुम तैयार हो? हाँ हाँ। अचानक मेरे मुंह से निकल गया एक जोर सा हाँ, जैसे मेरे शरीर को वही काबू कर रही है तब से। फिर उसने धीरे से कही, मेरे साथ चलो। हाँ, इतने सालों से यहाँ पे तो मूर्ति पड़ा हुआ होगा, तुम उठा के लेके आ जाती, इसके लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत? मैं इस कमरे में आ नहीं सकती क्योंकि भूतों ने मेरे ऊपर जादू किया है। तुम्हारे ऊपर भूतों का कोई जादू नहीं है, तुम्हें बस किसी तरह उस मूर्ति को लेना है। अच्छा, जादू किया है? ये मजाक तो कुछ ज्यादा ही ले रही है लड़की। पर कोई नहीं, मॉम डैड के नाम पे कुछ भी कर लूंगा। दुआ से कर रहा हूँ यार, भगवान बचा लेना मॉम डैड को। हाँ हाँ, मैं लेके तो आऊंगा, बाकी तुम संभाल लेना। बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने मूर्ति की तरफ देखा, हाँ रास्ता साफ है, मैं कर सकता हूँ। तो मूर्ति लेने के बाद मैं क्या करूँ? मैं पास वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। पास वाले कमरे में? ठीक है, मुझे बस मूर्ति लेके इसको पास वाले कमरे में देना है। मैं मूर्ति लेने जा ही रहा था, अचानक उसने मुझे रोका और हाथ में कुछ दिया। ये तो उसी मूर्ति की डुप्लीकेट कॉपी है, उसने उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम इस नकली मूर्ति से सब भूतों का ध्यान भटकाओ। ठीक है, पर कब तक? जब तक मैं असली मूर्ति को दफना नहीं देती। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरे पास वक्त कम है? अचानक मुझे याद आया, हाँ मेरी मॉम डैड, अगर वो कुमा से बाहर ना आया तो? अगर ये मूर्ति मॉम डैड से जुड़ी हुई है तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा। मैं समझ गया उसका जल्दी करने का मतलब क्या है। ये लड़की पागल है, सनकी है, या फिर प्रैंक कर रही है, बद्दा मजाक कर रही है, मुझे मालूम नहीं। पर मेरे दिल एक ही बात कह रही है, जल्दी से उस मूर्ति को कब्रिस्तान में दफना दो। मैंने
चुपके से अंदर घुसा। चारों तरफ सुनसान। वो टोपी कहाँ गया? सामने ही मूर्ति पड़ा हुआ है। मैंने उस मूर्ति को ले लिया। चुपके से आया और उस पास वाले कमरे में अंदर से घुस गया। मैंने उस लड़की को मूर्ति दे दिया और चुपके से वहां पे भाग गया। अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो ज्यादा भूतों का खतरा है। वहां से मैं चुपके से निकल गया और भागता रहा कब्रिस्तान की तरफ। पर हाँ, कब्रिस्तान है कहाँ? अचानक दूर में मुझे एक रोशनी दिखाई थी। मैं जाके पीछे पूछूं, कब्रिस्तान आखिर है कहाँ पे? मैं भागते हुए रोशनी की तरफ गया क्योंकि मुझे पता है भूत रोशनी से दूर रहते हैं। मैंने सुना तो है। मैं गया वहाँ पे और देखा सामने कब्रिस्तान और उसके पास में एक छोटा सा घर है। मैं उस घर में घुस गया। जब तक सुबह नहीं हो जाता मैं यहीं पे रहूँगा, कहीं और नहीं जाऊँगा। पता नहीं वो अगर सच में भूत होंगे तो कुछ कर ना दे मेरे साथ। हाँ मानता हूँ भूत नहीं होते, ये एक भद्दा मजाक है, पर मैं मेरे मॉम डैड के लिए कर रहा हूँ। पता भी नहीं ये सच है कि झूठे। मैं तो सुपरस्टिशन में फंस गया हूँ। पर अभी क्या करे, अंधेरे में बाहर जाने से भी डर लग रहा है। मैं यहीं पे रह जाता हूँ। फिर मैं चारों तरफ घर को देखा। छोटा सा घर है पर हाँ चारों तरफ पेंटिंग्स लगा हुआ है। उस रोशनी से कुछ पेंटिंग्स दिख रहा है, कुछ नहीं। मैं पास जाके देखा और जो देखा, मेरे हाथ से मूर्ति तुरंत गिर गया। ये तो वही लड़की, साफ साफ मैं देख पा रहा था। वही लड़की, वही 13 साल की लड़की की पिक्चर और नीचे लिखा हुआ है 1993 2003। 2005 में ये लड़की मर गई। क्या हो रहा है ये सब? उस लड़की के परिवार की बहुत सारे तस्वीरें, ये सब जल क्या रहा है? क्या ये उसकी घर थी? अगर नहीं तो यहाँ पे? अचानक सामने एक डायरी देखा, बहुत पुराना डायरी है। मैंने देखा कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ आप सबके लिए। इस चीज को कभी खोना मत, कभी अपने से मत खोना, कभी किसी को मत देना, कभी मत छूना, इससे दूर रहना। कौन सी चीज? मैंने पेज पलटा और देखा ये तो वही मूर्ति है। अगर से मूर्ति वो लड़की दफना दी तो बहुत बड़ा मुसीबत होगा, बहुत बड़ा। और कभी मूर्ति हाथ में आए तो उसको तबाह कर देना, कभी देना मत उसको, कभी नहीं। उसके बाद सारे पेज फटा हुआ है। क्या होने वाला है? कुछ तो गड़बड़े। मैंने किसी तरफ मूर्ति को लेके कब्रिस्तान की तरफ गया और देखा वो लड़की कब्रिस्तान में किसी के कब्र के ऊपर खड़ी हुई है। उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है नाम नायरा। ये तो इसका ही नाम है, मतलब सच है ये लड़की मर गई है। मुझे बेहोश बिल्कुल भी नहीं होना। वो लड़की मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ कि तुम बच गए। अब इसको दफनाने से तुम्हारे मॉम डैड खतरे से बाहर आ जाएंगे। मूर्ति लेके जल्दबाजी में बोली, खतरे से बाहर या फिर खतरा और? क्योंकि मैंने साफ साफ डायरी में पढ़ा है अगर ये मूर्ति दफना दिया तो बहुत बड़ा मुसीबत होगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा, पता नहीं क्या। पर ये लड़की क्या सच में किसी खतरे में डाल सकती है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर मेरे दिमाग में एक ही चीज था, इस लड़की को रोकना। फिर मैंने इसको कहा, ठीक है तुमने इसको कब्र में दफनाना ही है ना? ठीक है दफना दो,
कोई बात नहीं, पर तुम्हें मालूम है वो कौन सा मूर्ति है? ये वही मूर्ति है जो तुमने मुझे दिया था। मैंने तुम्हें मूर्ति देते वक्त मूर्ति बदल लिया था। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मूर्ति बदल लो बदल लो। शायद मेरा दिल बिल्कुल सही था। क्या इसका मतलब? इसका मतलब साफ है ना? इस मूर्ति को तुम और दफना नहीं सकती। तुमने मेरे साथ धोखा किया? तुमने भी तो मेरे साथ किया है ना, धोखे से मूर्ति हासिल करना चाहती थी। पता नहीं कुछ बुरी काम करवाना चाहती थी मुझसे। मैं अपने सिद्धत से अपने मॉम डैड के लिए ये काम कर रहा था ताकि कुछ भी अच्छा काम करूं मेरे मॉम डैड को अच्छा लगे और इस दुआ से मेरी मॉम डैड ठीक हो जाए। और तुमने मेरे साथ ही बेईमानी की। मुझे बिल्कुल भी टेंड नहीं लग रहा। तुम भूत हो, तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे खा जाओ, मुझे अब डर नहीं है। पता है क्यों? उप्स, तुम्हारा मूर्ति तो गिर गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला लूंगी। फिर एक बड़ा सा तूफान आया और पता नहीं क्यों पूरा कवर जमीन के अंदर घुस गया। और नहीं होता, मुझसे और एक्टिंग नहीं होता। सुबह जब मैं उठा, मैं कब्रिस्तान में लेटा हुआ था। रात की बातें याद करते मुझे डर लगने लगा। जाते वक्त मैं उस घर में घुसा, देखा कि उस नायरा की सारी पिक्चर गायब, सब कुछ गायब। वो डायरी में कुछ लिखा हुआ है। ये क्या? जब मैं डायरी खोला देखा सारे पन्ने गायब, बस एक पन्ना है। इतने सारे पन्ने थे, फटा हुआ पन्ना, लिखा हुआ पन्ना, सारे पेजेस गए कहाँ? और वो एक पन्ने में लिखा हुआ था, शुक्रिया। पर किसने कहा शुक्रिया? पता नहीं। हाँ, मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में भागा और हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गया, मतलब मेरे मॉम डैड के पास। दोनों ही बैठे हुए और थोड़ा उदास है। पता नहीं कि वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहा है। मेरे मॉम ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है और डॉक्टर के बात सुन के वो रोने लग गई। पर क्यों, ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने? मैं थोड़ा पास गया और सुना, और जो मैंने सुना शायद मैं आपको बता सकूं। मुझे माफ करना, उस एक्सीडेंट में ही आपका बेटा। शुक्र है आप दोनों ठीक हो। आप सुन रहे थे कहानी जिमी घोस्ट बाय गौरव कुमार। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है सुनना या फिर डबिंग करना तो हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक पेज पे जाइए और इनबॉक्स कीजिए। और ये हमने पहली बार ट्राई किया है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी हम करते रहेंगे आपकी सपोर्ट के साथ। और हाँ, फिर से नए एनिमे डबिंग्स को लेकर हम हाजिर होंगे ज़रूर। तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा, अपना ख्याल रखना।